जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सरकारी जॉब एंड जॉब पर। दोस्तों आज बात करेंगे एक नई भर्ती के बारे में जो कि आपके सरकारी रिजल्ट पर भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो इस भर्ती के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, तो दोस्तों एक भर्ती जो आपकी आपके लिए बहुत अच्छी भर्ती है उसके बारे में बात कर लेते हैं, जो है इंडियन पोस्ट GDS की भर्ती, जो डाक विभाग में भर्ती होती हैं। इसके बारे में भर्ती निकली हुई है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी हैं और आज इसके बारे में पूरी जानकारी करते हैं, कितनी योग्यता आपको चाहिए और किस प्रकार से भर्ती प्रक्रिया होगी उसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों ऐसी अच्छी वीडियो और अच्छी भर्तियों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि सभी सरकारी भर्तियों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। तो दोस्तों चलते हैं, जानते हैं पूरी जानकारी इस भर्ती के बारे में, इसे ओपन कर लेते हैं और इसके बारे में पूरी जानकारी आपको बता देते हैं। तो दोस्तों इसे ओपन कर लिया है और इसके बारे में जान लेते हैं। जो आपका इम्पोर्टेंट जो डेट हैं वो आपके जान लेते हैं। जो इसके आवेदन जो स्टार्ट हैं वो 2 तारीख से इसके आवेदन ऑनलाइन होने चालू हो गए हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो आपने अभी इसे आवेदन नहीं किया तो आप इसे आवेदन कर सकते हैं। और जो इसकी लास्ट डेट रखी गई है वो 5/6/2022, यानी कि पूरा एक महीना आपको दिया गया है इसे आवेदन करने के लिए, यानी कि मई से लेकर जून तक ये आवेदन पूरे एक महीना होने वाले हैं। तो अगर आपके पास आवेदन करने संबंधित कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप उन्हें बनवा भी सकते हो, अभी आपके पास काफ़ी समय भी है। आगे बात करते हैं, जो आपको फीस देनी होगी वो भी 5/6/2022 तक देनी होगी और इसका जो रिज़ल्ट और मेरिट लिस्ट जो होगी वो आपके अगले नोटिफिकेशन में बता दी जाएगी किस प्रकार से इसका प्रक्रिया होने वाली है। तो दोस्तों सभी वीडियो की सभी भर्तियों की जानकारी आप तक पहुँचे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि जो भी नई भर्ती होगी उसके वीडियो हम बनाएंगे तो आप तक पहुँच सकेगी। और आगे बात करते हैं फीस के बारे में, जो जनरल और OBC वर्ग के अभ्यर्थी होते हैं उनके लिए 100 रुपये फीस होगी, SC ST और जो आपके होते हैं PH के अंदर जो आते हैं, यानी कि आपके भूतपूर्व सैनिक और स्वतंत्रता सेनानी, इनके लिए कोई फीस नहीं होगी। ऑल कैटेगरी की जो महिला होंगी, किसी भी कैटेगरी की महिला हो, चाहे SC हो, जनरल हो, OBC हो, किसी भी कैटेगरी की महिला हो, उनके लिए भी कोई फीस नहीं होने वाली है इसमें। और जो आपकी भर्ती है वो हेड पोस्ट के लिए आपकी भर्ती निकली है। आगे बात कर लेते हैं, इंडियन पोस्ट GDS के तहत ये भर्ती निकली है और एज की बात करें तो आपकी एज इसमें कम से कम 18 साल और अधिकतम 40 साल आपकी एज की रखी गई है। तो आप अगर 18 साल आपकी एज नहीं हुई है तो आप भी इसको आवेदन कर सकते हैं, और आप अगर 18 साल से आप बड़े हैं तो ही आप, अगर आप 18 साल के हैं, 18 साल से ऊपर के हैं और 40 साल से कम के हैं तो आप इसको आवेदन कर सकते हैं। इसमें काफ़ी समय दिया है, 18 साल तक आप इसे आवेदन कर सकते हैं। वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी काफ़ी दी हैं, 38,926 इसमें आपको वैकेंसी भी देखने को मिल रही है, कम से कम लगभग आपकी 39,000 करीब आपकी वैकेंसी भी हैं। तो इसमें वैकेंसी काफ़ी वैकेंसी दी गई हैं। आगे बात कर लेते हैं, जो पोस्ट है उसका नाम है ग्रामीण डाक सेवक GDS, जो डाक विभाग में जो गांव में डाक देते हैं उनकी ये भर्ती निकली है और इसमें जो टोटल पोस्ट हैं 38,926 आपकी वैकेंसी हैं। आगे बात कर लेते हैं योग्यता के बारे में, योग्यता में आपके लिए 10वीं पास विद मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। हाई स्कूल अगर आपने किया तो उसमें मैथ और इंग्लिश आपकी होनी जरूरी है, और आपके लिए नॉलेज जो होगी वो लोकल भाषा आपको जाननी है, मतलब लोकल भाषा जानते हैं आप, और बाकी जो जानकारी है वो आपको नोटिफिकेशन में हम आपको बताने वाले हैं, नोटिफिकेशन पूरी जानकारी देंगे। तो ये फ़िलहाल आपके लिए इसमें जानकारी दी है, बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन के बारे में, इसमें पूरी जानकारी कर लेते हैं। तो जल्दी से नोटिफिकेशन को ओपन कर लेते हैं और उसमें जानकारी जानते हैं कि क्या इसमें अलग से जानकारी दी है।
नोटिफिकेशन को ओपन कर लिया है और जान लेते हैं इसकी पूरी डिटेल। जैसे कि आपको दिख रहा है स्टार्टिंग आपके 2/5/2022 से है और लास्ट डेट जो होगी एप्लीकेशन की आवेदन करने की वो 5/6/2022 होने वाली है। आगे बात कर लेते हैं पे के बारे में, जो आपकी पे जो आपकी सैलरी मिलने वाली है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो बी पी एम के अंदर आएंगे भर्ती होंगे, इसमें भी दो भाग बांट दिए गए हैं, तो उनके लिए 12,000 प्रति महीने सैलरी है और जो ग्राम सेवक होंगे डाक सेवक जो होंगे उनके लिए 10,000 से लेकर के इसमें सैलरी होने वाली है। तो अच्छी भर्ती है, घर से ही अपना अप डाउन होगा, लोकल में आपकी ड्यूटी होगी। और आगे बात कर लेते हैं योग्यता के बारे में, एज के बारे में बात कर लेते हैं। एज आपके 18 साल होनी चाहिए, मिनिमम 18 साल और अधिकतम आपके 40 साल तक आप इसको आवेदन कर सकते हैं। और कैटेगरी वाइज इसमें छूट भी दी गई है, 5 साल की एससी एसटी के लिए, ओबीसी के लिए 3 साल की, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए कोई छूट नहीं, पीडब्ल्यूडी वालों के लिए 10 साल की, पीडब्ल्यूडी प्लस ओबीसी वालों के 13 साल की, और पीडब्ल्यूडी और एससी एसटी वालों के लिए 15 साल की इसमें एज में आपको छूट भी मिल जाएगी। काफ़ी अच्छी भर्ती होने वाली है। और ये आपके पोस्ट के बारे में डिटेल दी गई है, आपकी जो पोस्ट हैं उसमें। एजुकेशन के बारे में बात कर लेते हैं, जो एजुकेशन होगी वो आपकी 10वीं पास, इसमें एजुकेशन आपकी होने वाली है। अगर आपने 10वीं कर रखी है तो आप भी इसका आवेदन कर सकते हैं, जैसे कि इसमें दिख रहा है। और मैथ और इंग्लिश आपका होना सब्जेक्ट होना आवश्यक है। नॉलेज की बात करें तो नॉलेज आपको लोकल भाषा आपकी होनी चाहिए, जो हमने पहले बता दिया है। बाकी तो आप जो आवेदन करोगे वो कंप्यूटर वाइज से आवेदन करना होगा। बात कर लेते हैं कि आपको आवेदन करते वक्त क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होगी। आपका नाम, पिता माता का नाम, मोबाइल नंबर आपका होना चाहिए उसमें, ईमेल आईडी भी आपकी होगी, डेट ऑफ बर्थ भरी जाएगी और आप जेंडर आपका होगा, कम्युनिटी भरी जाएगी। और जो पीडब्ल्यूडी में आते हैं उनके लिए अलग से उनका परसेंटेज मांगा गया है इसमें। आपका राज्य भरा जाएगा, 10th पास आपने की है, लैंग्वेज कौन सी जानते हैं, कौन सी साल में पास की है वो पूरा उसमें, पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो लगेगा और सिग्नेचर होगा। इस प्रकार से आपका आवेदन पूरी प्रक्रिया हो जाएगी। अलग से आपके लिए कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया है इसमें, आप हाई स्कूल के डॉक्यूमेंट्स ही आप अपने लगाओगे। बाकी इसमें और कुछ दिया नहीं है, यही आपके लिए जानकारी है। आप जल्दी से आवेदन कर सकते हैं अगर आपने अभी आवेदन नहीं किया है। 3 तारीख से ये 2 तारीख से आवेदन होने लग गए हैं और 1 महीना पूरा आवेदन होगा, आप आराम से इसे आवेदन कर सकते हैं। ये हमने सब आपको बता दिया, वैसे इसमें कोई ख़ास बात है नहीं। अगर अभी भी आपको डाउट हो किसी चीज़ का तो आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं, हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, आपके समस्या को हल करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट भर्ती के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।